5000 रुपए की लाइट को आप 150 से 200 रुपए के अंदर और एकदम नई जैसी बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, पूरी प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमें पानी लेना है और उसके बाद में ये 2000 नंबर का सैंड पेपर यूज में लेंगे, जिसको हम रेजमाल भी बोलते हैं, और इसको बराबर घिसना है। जितने भी निशान बने हुए हैं पूरी लाइट के ऊपर कम से कम 4 से 5 मिनट तक घिसना है। भी हम इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे जिससे ये लाइट की जो शाइनिंग है वो प्रॉपर आ जाए। इसके ऊपर 2 तरह की क्रीम हम लगाने वाले हैं, देख सकते हैं। उसके बाद में पानी लगाकर अब इसको और हम घसने वाले हैं अच्छी तरीके से रबिंग से, और अच्छी तरीके से रब कर देंगे ताकि ये पूरी की पूरी जो क्रीम है अंदर बैठ जाए। ये भाई हमारे साथ में हैं, भाई से जानते हैं कि इन्होंने ये काम किया है और लाइट वगैरह क्लीन करी है, एकदम नई जैसी हो गई है। एक चीज बताओ भैया कि ये लाइट ख़राब क्यों होती है? सबसे पहले तो लाइट इधर क्यों ख़राब होती है, जैसे मतलब ये लाइट एक तो बाहर से जो बाहर से डस्ट वट लगती रहती है ये, तो उससे बाहर की तो साफ हो जाती है बढ़िया। हाँ, जो अंदर से ख़राब होती है ये लाइट पड़ती है, प्रोजेक्ट लाइट वगैरह ये मायने से ख़राब हो जाती है। अच्छा, रोशनी से अंदर। आपने किस तरीके से क्लीन किया ये बताओ पहले तो। मैंने क्लीन इस तरीके से किया, पहले इसके ऊपर रफ लगाया 2000 के पेपर से, इसको रफनेस किया पूरा सुन किया था। फिर बाद में मैंने 3M की ये लगाई। 3M की, इसके अंदर कौन सी क्रीम है ये? ये बढ़िया 3M की क्रीम है, रबिंग। कौन सी कंपनी की? 3M। 3M की है जी। और कौन सी रबिंग क्रीम है क्या ये? जी। अच्छा, उसके अलावा है और कुछ भी लगाया था क्या आपने? एक बोर्ड की लगाई थी ये वाली। और ये क्या चीज़ है? ये भी रबिंग है, इसकी लाइट के लिए आई है। अच्छा, ये लाइट के लिए आती है बोस की। तो ये दोनों चीज़ें लगा के और आपने इसको क्लीन कर दिया। और सैंड पेपर से जो आप पेपर यूज में लिया उसको कितनी देर घसा आपने इसको? हमने 5 मिनट घिसा। तो उससे सैंड पेपर में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से ये नई हो जाती है? नहीं, इससे क्या है ना, मतलब गंदे मतलब डस्ट वगैरह होती है गंदगी, सब साफ हो जाती है रेजमाल से। पहले रेजमाल से रफ करना चाहिए इसको। अच्छा, और क्रीम से क्या फ़ायदा होता है उसके बाद में? से ये फ़ायदा होता है, जो मतलब ये स्क्रेच होती है हल्की बुल्की सब खत्म हो जाती है, डस्ट होती वो भी खत्म हो जाती है। अच्छा, ये बार बार जो होती है डस्ट। और ये जो आप बता रहे हो ये जैसे लोकल के लोग हैं वो तो आपसे संपर्क कर लेंगे, कई लोग ऐसे भी है जो बाहर से वीडियो देखते हैं, तो वो कहाँ से क्लीन करवा सकते हैं लाइट को? वो तो सर फ्रेंड्स कार वर्ल्ड है, हम तो ऑनलाइन देख सकते हो कभी गूगल पर हर चीज़ पे है, बाकी आप वीडियो डालते रहते हैं हम अपने। दूसरे स्टेट वाले हैं लोकल वाले तो यहाँ से करवा लेंगे आपके पास में, झुंझुनू वाले हैं, बाकी जैसे जयपुर है या फिर अदर दूसरी स्टेट से कोई अपना वीडियो देख रहा है तो वो कहाँ पे क्लीन करवा सकता है इसको? वो तो घर कहीं भी कर सकते हैं, बतरे वर्कशॉप होते हैं लोकल में आसपास, कहीं भी आसपास में सभी लोग 200 रुपये लेते हैं, कोई भी इस तरीके से कर सकता है रफ लगा कर। अच्छा, ये है। और अब इसका खर्चा कितना होता है? खर्चा 200 रुपये। 200 रुपये के अंदर ये क्लीन हो जा सकती है। तो जैसे अगर नॉर्मली ये लाइट अगर वैसे परचेज, और इससे नुकसान क्या है लाइट अगर मान लो कि ख़राब हो जाती है तो? नुकसान तो क्या, बाद में दिखाई नहीं देगा सामने में, दिखाई नहीं देता है उसकी वजह से। और आपको ये क्लीन करवानी चाहिए, क्लीन करवानी चाहिए। और नई लगवाए तो कितना खर्चा आता है? नई लगवाओ तो 10-12 हज़ार रुपये की लाइट, 10-12 हज़ार रुपये की है। बाकी आपके जो गाड़ी की जो हेडलैम्प्स के हिसाब से प्राइस का वेरिएशन रहता है। चलो, ओके, थैंक यू।